हिसार के अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। इस बार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि मंडी में किसानों की फसल 5,000 से अधिक मूल्य पर बिक रही है। जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी साहब राम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल को सुखा कर ही मंडी में लाएं, ताकि फसल का अधिक भाव मिल सके। और इसका रेट जो 5,159 से लेकर 5,450 रुपये तक का चल रहा है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार का वो रेट है 4,650 रुपये है, तो उससे ऊपर जा रही है और आते ही सरसों बिक जाती है और जमींदारों को किसी प्रकार की पैसे नहीं है। वो सुखा के ले सरसों, अपने थोड़ा गिल्ली है तो थोड़ा सुखा ले और सफाई करके ले, ताकि आते ही बिक जाए, उसको दिक्कत ना आए, नहीं तो एक दिन उनको वेट करना पड़ता है। एमएसपी से ज्यादा भाव मिलने पर किसान भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों द्वारा उनकी फसल को सरकारी भाव से भी अधिक मूल्य पर खरीदा जा रहा है। 12 किले खेती करता हूं और 4 किले की सरसों लेकर आया हूं। सरकारी रेट तो 4,600 कुछ रुपए है और आज 5,051 रुपए बिक रही है सरसों। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है जी हम, सरकारी रेट कम है और आज हमारी फसल ऊंची बिक रही है। सरसों मेरे पास 25 एकड़ की सरसों थी, अभी मैं 4 एकड़ की ले आया हूँ और सरकारी रेट 4,600 कुछ रुपए है, लेकिन प्राइवेट रेट हमारा 5,000 से ऊपर लग रहा है। हम संतुष्ट है इस बात पे, बहुत अच्छी बात है। 2.5 एकड़ की सरसों है मेरी, MSP से ज़्यादा ही भाव मिल रहा है। MSP तो अभी 4,650 रुपये चल रही है और 5,051 के लगभग टॉप सरसों बिक रही है आज के लिए। 3 एकड़ की पहले बेच चुका था और 5,361 रुपये पहले बिकी थी, जो गवर्नमेंट रेट से भी ऊपर बिक रही है। बढ़िया, अच्छे भाव मिले।